नमस्कार दर्शकों, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थानरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, आज हम बात करते हैं वस्त्र छपाई उद्योग के बगरू की, जिसके शासक राजावतों ने जयपुर के लिए कई युद्धों में अपनी कुर्बानी दी थी। वरिष्ठ पत्रकार श्री जितेंद्र सिंह जी शेखावत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइए हमारे दर्शकों को बगरू के बारे में। जयपुर के ढूंढाड़ राज्य को बचाने के लिए बगरू के राजावत राजपूतों ने अनेक युद्धों में भाग लेकर वीरता दिखाई और कुर्बानी देने में कभी भी पीछे नहीं रहे। जयपुर अजमेर रोड पर बगरू का गढ़ और चांदपोल बाजार में बगरू वालों का रास्ता इन्हीं राजावतों के शानदार इतिहास की याद दिलाता है। करीब 1500 गांव की जयपुर रियासत में बगरू ठिकाने का सम्मान बहुत ऊँचा रहा। यही कारण रहा कि बगरू के राजा को अधराज यानी आधे राजा का खिताब मिला हुआ था। जयपुर का राजा जब भी जयपुर के बाहर जाता, बगरू का ठाकुर सिटी पैलेस में रहता और शासन पर पूरी निगाह रखता था। जयपुर राजा के दरबार में बगरू के ठाकुर की बैठक राजा के दाईं ओर होती। आधा राज्य के रूप में रखी गई पदवी बगरू वालों को ये वंशानुगत दी गई थी। महाराजा राम सिंह के समय में सूरत सिंह बगरू पंच मुसाहिब के अलावा राजपूताना कोर्ट के न्यायाधीश रहे। जसवंत सिंह बगरू भी जज बने थे। 1934 में इनकी मृत्यु हो जाने के बाद कीर्ति सिंह बगरू की गद्दी पर बैठे। बगरू के जागीरदारों में शिक्षा के प्रति गहरी रुचि रही। अजमेर में जब मेयो कॉलेज खुला तब बगरू का पृथ्वी सिंह वहाँ भर्ती हुआ था और बहुत ही होनहार विद्यार्थी उस जमाने में था। माधो सिंह द्वितीय के समय बगरू जयपुर के बीच में विवाद हो गया था। इसका कारण यह था कि जयपुर के प्रधानमंत्री कांतिचंद मुखर्जी से बगरू की अनबन हो गई थी। इस पर बगरू के ठाकुर का जयपुर में प्रवेश बंद कर दिया गया था। बाद में राजीनामा हुआ तब बगरू वाले जयपुर में आने लगे। शुरू में केशवदास बेनाड का जागीरदार बना था। केशवदास ने मान सिंह प्रथम के साथ युद्धों में वीरता दिखाई। विवाद होने पर केशवदास से बेनाड छीन लिया गया। बाद में मिर्जा राजा जय सिंह आमेर के राजा बने तब सूर सिंह को बगरू दिया गया। इनके वंशज प्रताप सिंह, सुल्तान सिंह व जुझार सिंह ने मालदेव पवार से हुए युद्ध में जोरदार वीरता दिखाई थी। बगरू वालों की बेनाड के भैरू जी के प्रति बहुत जोरदार आस्था रही है। ये उस समय से रही है जब इनके पास में बेनाड था। सन 1969 में अंतिम शासक कीरत सिंह भैरू जी के धोख देने के लिए बेनाड में गए थे। बगरू का पदम सिंह आगरा के निकट हुए युद्ध में जयपुर के लिए मारा गया था। माधो सिंह के समय गुलाब सिंह बगरू ने रणथंबोर दुर्ग की रक्षा में अपना सर कटवा लिया था। मावंडा के युद्ध में बगरू के राजावतों ने बलिदान दिया। सावत सिंह बगरू ने त्रिचाल और अफगान युद्धों में जोरदार वीरता दिखाई थी। अपील न्यायालय के जज जसवंत सिंह की 1934 में मृत्यु होने के बाद कीर्ति सिंह बगरू की गद्दी पर बैठा था। सियासरण लश्करी के मुताबिक रणथंबोर की किलेदारी का सम्मान बगरू को मिला था। सर, ये इंदिरा गांधी जी थी, उनको भी बगरू प्रिंट की साड़ियाँ बहुत पसंद थी, ऐसा है? इंदिरा गांधी राजस्थान में जब भी आई तब वो बगरू प्रिंट की साड़ी पहन के आई थी। बगरू में जन्मे सीताराम झालानी विख्यात पत्रकार है। झालानी ने सबसे पहले हस्तलिखित बगरू संदेश पत्रिका निकाली। हिंदुस्तान समाचार, लोकवाणी, राष्ट्रदूत, कांग्रेस संदेश, नवयुग आदि अखबारों में वरिष्ठ पत्रकार रहे। राजस्थान वार्षिकी, अनुपम राजस्थान व राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों पर झालानी जी ने कई पुस्तकें लिखी हैं। 1978 में झालानी बगरू पंचायत के सरपंच बने और वहाँ की नगर पालिका के पहले अध्यक्ष बनने का झालानी जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ। बगरू के वस्त्र उद्योग को नई दिशा देकर बगरू प्रिंट को विश्व मानचित्र पर लाने में विशेष भूमिका निभाई। बगरू प्रिंट की साड़ियाँ इंदिरा गांधी को इन्होंने भेंट की थी और जब भी इंदिरा गांधी राजस्थान आती थी तब वो बगरू प्रिंट की साड़ी पहनकर ही आती थी।